आदमखोर का आतंक उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग इलाकों में 35 से ज्यादा गांव में देखा जा रहा है और ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। एक बच्ची को एक आदमखोर भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया है। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया, पीन सोवत रहा है, तो बच्चे हमारे तनिक आँखें लाग गए उठा ले। समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, ताले हम सामने पड़ गए, बच गए मेरे बच्चे। यहाँ जनता में बहुत आक्रोश है भेड़िए को लेकर। प्रशासन 1.5 घंटे और 2 घंटे बाद यहाँ आया है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। तो आदमखोर का आतंक किस तरह उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में है, ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब सीतापुर और बहराइच में आदमखोर भेड़िए लगातार लोगों को निशाना बना रहे, उन्हें पकड़ रहे, उन्हें मौत के घाट उतार दे रहे, निवाला बन जा रहे हैं लोग और डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए। और अब आज अमावस की रात है। अमावस की रात में कहा जाता है कि जो ये हिंसक जानवर है और खतरनाक हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे, आपके सामने तथ्य भी रखेंगे, साइंटिफिक तथ्य रखेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन इस अमावस की रात में और ज्यादा मुस्तैदी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं, बता भी दिया है कि कैसे जल्द से जल्द इन्हें जद में लेना, इन्हें पकड़ना है, क्योंकि ये एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। लगातार ये मामले सामने आते जा रहे हैं और अब चलिए आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं। जब हम कह रहे हैं कि अमावस की रात और ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा भारी है इन 35 के करीब गांव वालों पर, तो वो जानकारी अब आपके सामने रखते हैं। साइंटिफिक रीजन है, देखिए आप समझिए, अमावस की रात में ये जो जानवर है, जो हिंसक पशु होते हैं, वो और खूंखार हो जाते हैं और खतरनाक हो जाते हैं। और भेड़िए अमावस के दिन ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि हमला तेज होने की आशंका अब जाहिर की जा रही है। अमावस के दिन हमले तेज हो सकते हैं और इसका साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक कारण है। भेड़ियों के पास दरअसल देखिए अंधेरे में देखने की शक्ति होती है, कुदरती शक्ति है जो उन्हें मिली है। और पूर्णिमा की तुलना में जब अमावस की रात होती है तो रात काली होती है, अंधेरे वाली होती है, और इस अंधेरे में उन्हें और ज्यादा काली रात में साफ दिखाई देता है। और यही वजह है कि हमलों का ज्यादा डर होता है। एक खास तरह की आवाज निकाल कर ये भेड़िए झुंड में आते हैं और हमला करते हैं, और यही वजह है कि अमावस की रात को लेकर और डर गांव वालों में बैठ गया है। बहराइच और सीतापुर के इलाकों में खास तौर से इसको लेकर डर बैठा हुआ है, और यही वजह है कि एक्शन भी तेजी से जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए इसको लेकर कड़े निर्देश दे दिए, क्योंकि एक्शन लेना अब जरूरी हो गया है। जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, आंकड़े भी हम आगे आपको बताएंगे कि किस तेजी से ये आंकड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश दिए हैं, पहले वो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भेड़िए बाघ के हमले को लेकर सीएम योगी ने साफ साफ तौर पर ये गाइडलाइन जारी कर दी है। ये कह दिया है कि अब और मुस्तैदी बरतनी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। प्लेट्स बदलें प्लीज अमित, प्लेट्स बदलें। भेड़िए बाघ के हमले पर सीएम योगी ने ये क्लियर कह दिया है कि अब और तेजी से इससे निपटने की तैयारी करनी होगी। अधिकारियों को देखिए इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, हमलों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, सीएम योगी ने यह क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसमें सीएम का वन मंत्री विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश सामने आया, यानी उन्होंने बकायदा पहले पूरी स्थिति का जायजा लिया है, जानकारी ली है, और उसके बाद वन मंत्री और विभागीय अधिकारी जो अधिकारी इस विभाग से जुड़े हुए हैं उनको क्लियर डिक्टेट किया है, उनको क्लियर गाइडलाइन जारी की है कि आदमखोर जानवरों को नियंत्रित किया जाए, ऐसे डर और दहशत के साए में लोग ना रहे, आदमखोर भेड़िए तेंदुए को पकड़ा जाए, क्योंकि बाघ का आतंक भी लखीमपुर खीरी में है। आदमखोर भेड़िए और तेंदुए का हर हाल में काबू करना है, सीएम योगी ने डेडलाइन दे दी है कि काबू करना है। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों की भी तैनाती की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि वो जिलों में कैंप करें, यानी वो वहां मौजूद रहें, जो व्यवस्था है उसका ध्यान दें, उसको ठीक करें, कहीं कोई कमी ना रहे। प्रशासन, वन विभाग लोगों में भी जागरूकता फैलाएं, क्योंकि लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है इस तरह की किसी भी
घटना से बचने के लिए बिजली ना होने पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए, जिससे रोशनी रहे, अंधेरा ना हो और ये भेड़िए बाघ हमला ना कर पाए। घायल लोगों के परिवारों की तुरंत सहायता करें, उनको तुरंत जो जरूरी चीजें हैं, मदद है, वो मुहैया कराई जाए, ये भी कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। लेकिन चलिए अब बहराइच में किस तरह से एडीजी पहुंचे, निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने और तुरंत उस पर एक्शन भी तेज हो गया, क्योंकि योगी के निर्देश के बाद एडीजी पहुंच गए बहराइच व्यवस्थाओं का जायजा लेने। ये देखिए डीएमएसपी के साथ एडीजी यहां समीक्षा कर रहे हैं, बकायदा लोगों के पास जा रहे हैं, बहराइच के वो लोग जो इस दहशत में जी रहे हैं, जो इस परेशानी में जी रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है, उन्हें क्या लगता है कि क्या कमियां हैं जो ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, जो गाँव वाले रह रहे हैं उनके लिए ये वक्त मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक्शन में आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद डीएमएसपी और एडीजी समीक्षा बैठक करेंगे। देखिए ये गांव वाले हैं जो बता रहे हैं कि कैसे रात काटना भारी हो गया है, कैसे पहरा देना पड़ता है, कैसे डर के साए में जी रहे हैं। इसको लेकर बकायदा बातचीत की है एडीजी ने, समझने की कोशिश की और जो कमियां हैं उसको भी ठीक करने की बात उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि योगी ने कह दिया है कि डेडलाइन तय है, जल्द से जल्द इन्हें काबू में करना है, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। के एस कुमार जो एडीजी हैं गोरखपुर जोन के, जो पहुंचे, लोगों से जिन्होंने बात की, जो ग्रामीणों से मिल रहे थे, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। कि नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा रणनीति बनाई गई है, इसमें रोज चैलेंजेस आ रहे हैं और इस चैलेंजेस को निपटने के लिए पुलिस भी इनके साथ काम कर रही है। 33 ग्राम आइडेंटिफाई किए गए हैं और प्रत्येक गांव में हमारा एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल वहां के चौकीदार और पीआरडी के जवान के साथ चौकन्ना है, रात में गश्त चल रही है। इसी तरह पूरी क्षेत्र को 7 टीमों में एसपी बहराइच ने 7 टीम बनाए हैं और ये 7 टीम इस पूरी क्षेत्र को रात भर कॉम्बिंग कर रहे हैं और इसको निपटने के लिए वन विभाग ने एक विशेष योजना बनाया है और उस योजना के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो आदमखोरों पर शिकंजा कसने की किस तरह से तैयारी कर ली गई है ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि एडीजी भी मौके पर पहुंचे, डीएमएसपी भी मौके पर पहुंचे, लगातार जो फॉरेस्ट रेंजर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें पकड़ा जाए। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्लियर निर्देश दे दिया, डेडलाइन सेट कर दिए, तो एक्शन तेजी से चल रहा है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंसानी जान के दुश्मन बन चुके आदमखोरों पर शिकंजा कसने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। मीटिंग कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। साफ कह दिया गया है कि हर हाल में आदमखोर भेड़िए और आदमखोर बाघ को पिंजरे में कैद किया जाए, जिससे 35 से ज्यादा गाँव के लोग चैन की सांस ले सके। मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस प्रशासन, वन विभाग, स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग को लोगों के बीच जन जागरूकता पैदा करने की भी जिम्मेदारी सौंपी है। निर्देश दिए हैं कि लोगों को सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही वन विभाग को निर्देश दिया है कि अतिरिक्त वन विभाग कर्मियों को तैनात कर उन्हें बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर सहित आसपास के जिलों में लगाया जाए, जहां वन विभाग के ये कर्मी पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे। मतलब साफ है कि इन आदमखोरों के हर कदम पर नजर रखने की अब पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने अपने अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अब अधिकारी भी इन जिलों में कैंप करेंगे, जिससे हालात पर जल्द काबू पाया जा सके। सीएम योगी ने वन्य जीवों के हमलों में मारे गए लोगों और घायलों को भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मतलब साफ है कि सरकार हर स्थिति में लोगों के साथ खड़ी है और अब उम्मीद है कि इन आदमखोरों की वजह से मौत के साए में रहने को मजबूर लोगों को भी जल्द राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।